नमस्कार दोस्तों, बचन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज राइस नगेट। सबसे पहले एक बाउल में कद्दूकस की हुई गोभी डालें, कद्दूकस किए हुए आलू, बारीक कटे प्याज, उबले चावल, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, स्वाद अनुसार काली मिर्च, गरम मसाला, देगी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच चाट मसाला और कटा हरा धनिया डालें और दो चम्मच मैदा डालें। अब इस सारे मिश्रण का अच्छे से एक डो बना लें। फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर इसकी छोटी छोटी टिकियां बनाएं। जब आपकी टिकियां बन जाएं, फिर इन्हें अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगा लें। अब एक कढ़ाई में गरम तेल लें और इन टिक्कियों को अच्छे से डीप फ्राई करें। आप देखेंगे कि आपकी टिक्कियां कितनी सुंदर और गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। लीजिए, आपके वेज राइस नगेट्स तैयार हैं। अब इन्हें सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल बचन किचन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।